राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या की वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कल जो है उदयपुर में एक टेलर की दुकान पे घुसकर उस टेलर की जो है किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, और उसके बाद उस हत्या का वीडियो बनाकर जो है वो भी फेसबुक पर अपलोड कर दिया गया। और जैसे ही वो वीडियो जो है वो लोगों तक पहुंचा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो लोगों की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ उदयपुर की बात करते हैं, तो वहां पर इस वक्त जो है धारा 144 जो है वो भी लगा दी गई है। पुलिस ने हथियारों को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन अब इस मामले को लेकर जो ज्यादा अपडेट सामने आ रही है, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये कह दिया गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की को पूरी तरह से ये जिम्मा जो है सौंप दिया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब एनआईए करेगी। और जो भी आरोपी है, क्योंकि आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऐसी संगठन थे जो इसके पीछे जो है शामिल थे, उन पर भी पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। और जो भी और आरोपी इस पूरे मामले में जो है सामने आएंगे, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कल राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की दुकान पर घुसकर जो है कुछ लोगों ने उस टेलर को जो है ये कहा कि वो भी अपने कपड़े जो है वो सिलवाना चाहते हैं। और जैसे ही वो दर्जी जो है उनके नाप लेने लगता है यानी कि उनके मेजरमेंट लेने लगता है, तो उसके बाद मौके का फायदा उठाकर वो जो लोग उस जो है उस दुकान में जो है मौजूद थे, उन्होंने उस टेलर पर जो है हमला कर दिया, उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी। और दूसरा जो शख्स उसके साथ मौजूद था, उस हत्यारे के साथ, उस शख्स ने जो है उसकी वीडियो बनाई, और उसके बाद इन्होंने मिलकर इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। और अभी जो पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जो है इस पूरे मामले में की जा रही है, और पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो जो सामने आया है वो आप शेयर ना करें, वो आप ना देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संगीन मामला है और काफी ज्यादा लोगों को जो है इस पर इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अभी उदयपुर पुलिस जो है वो पूरी तरह से इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सांप्रदायिक माहौल जो है वो जिस तरह से खराब होता हुआ नजर आ रहा है, इसी के मद्देनजर उदयपुर में धारा 144 भी लगा दी गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नूपुर शर्मा का जो बयान सामने आया है, उसके बाद कन्हैया लाल जिनकी जो है हत्या कर दी गई है, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है समर्थन किया था नूपुर शर्मा का, जिसके बाद ये जो पूरी जो वारदात को अंजाम दिया गया है, और उसके बाद अब काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो भी सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है, और जगह जगह जो अब प्रदर्शन है वो भी देखने को मिल रहे हैं। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी इसी तरह के प्रदर्शन जो है वो अब देखने को मिल रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह की निर्मम हत्याएं जो है धर्म और जात के नाम पर जो देखने को मिल रही हैं, ये अब चीजें जो है रोकनी चाहिए और सरकार को भी इसी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अब एनआईए जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो भी और आरोपी जो है इस पूरे मामले में जो है पाए जाएंगे, उन पर कड़ा सा कड़ा जो संज्ञान है वो भी लिया जाएगा, और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जो है वो भी दी जाएगी।